नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। मैं आप लोगों को हमेशा अपने चैनल के माध्यम से रत्न रुद्राक्ष के बारे में जानकारी देता हूं। इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानकारी दूंगा। असली रुद्राक्ष की पहचान क्या है, इसे धारण करने की विधि क्या है। चूँकि रुद्राक्ष बहुत ही ज़्यादा धर्म से जुड़ी हुई चीज़ होती है, इसके लिए इसके नियम हैं। तो इसे धारण करने के बाद आपको क्या सावधानी रखना है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्योतिष से जुड़ी कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना है, कुंडली मिलान करवाना है, या किसी प्रकार का रत्न उपरत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष का स्वामी सूर्य देव हैं, और इसी कारण 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति के अंदर साहस, शक्ति और नेतृत्व क्षमता का निर्माण होता है। इसे धारण करने के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होता है, शत्रु भय से मुक्ति मिल जाती है। यदि कुंडली में सूर्य कमजोर हो अथवा अस्त हो तो 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना लाभदायक होता है, और सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होने के साथ साथ आपके अंदर एक साहस और एक अलग तरह की क्षमता का विकास होगा, और किसी भी प्रकार से आपके जीवन में भय नहीं आएगा। सूर्य का तेज हर काम में सफल बनाने में मदद करता है। किसी जातक की कुंडली में अगर सूर्य दोष हो, अर्थात सूर्य कमजोर हो या पितृदोष होने के कारण सूर्य राहु के द्वारा पीड़ित हो, तो ऐसे लोगों के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति सदाचार का पालन करने वाला होना चाहिए, और भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था होनी चाहिए। मांस मदिरा या अन्य नशे की वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। सोमवार या शिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष को धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके धारण करने से पहले गंगा जल कच्चे दूध से इसका स्नान करवा के धूप दीप दिखाकर विधि विधान से पूजन करके इसे धारण करिए, और इसे धारण करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना हो सके आप उच्चारण करिए। इसके अनेकों अद्भुत लाभ हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से समृद्धि मिलती है, और इसके प्रभाव से सूर्य का तेज हर कार्य में सफलता दिलाता है। धारणकर्ता को राजनीति में मंत्री पद दिलवाने का भी कार्य करता है। यदि शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा हो तो 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शत्रुओं से आपकी रक्षा हो जाती है, और सभी प्रकार की समस्याओं से आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगेगा। तन मन स्वस्थ रहते हैं और शरीर में विशेष शक्ति का संचार होता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य का दोष है तो आप अपनी कुंडली में सूर्य के प्रभाव को प्रबल करना चाहते हैं, या सूर्य के अशुभ प्रभाव के कारण आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, तो 12 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। 12 मुखी रुद्राक्ष एक शुभ रुद्राक्ष माना जाता है, जो कि ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। इसको धारण करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है, और यह रुद्राक्ष विविध प्रकार की समस्याओं से भी निजात पाने में मददगार होता है, जैसे कि शारीरिक रोग, मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव, नकारात्मक ऊर्जा, बहुत सारी चीज़ों में यह आपका सहयोग करेगा। इसके अलावा यह रुद्राक्ष नेत्र रोग, शरीर के अंगों में दर्द और समस्याओं में निजात पाने में भी मददगार होता है, और इसको धारण करने से व्यक्ति को उच्च स्तर का ज्ञान, बुद्धि, नैतिकता और एक सफलता प्राप्त होती है। यह रुद्राक्ष काफी पवित्र और शुभ माना जाता है। जो भी जातक इसे धारण करता है उसे कई लाभ प्राप्त होते हैं, और इसे भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। और खास बात यह है
कि यदि आप शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की महादशा में चल रहे हैं और आप काफी परेशान हैं, तो बारामुखी रुद्राक्ष आपको बहुत लाभ दे देगा। बारामुखी रुद्राक्ष धारण करने से धारक को वीरता, ऊर्जा, समझदारी, कई चीजों में बढ़ोतरी हो जाती है। ये बहुत शक्तिशाली होता है, निर्भीक और आत्मविश्वासी बनाता है और संतान प्राप्ति में भी ये काफी सहायक माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष होता है उन्हें इस रुद्राक्ष को धारण करने से काफी लाभ मिल जाता है। और इसे बुधवार, सोमवार, दो दिन में आप चाहे जिस दिन धारण कर सकते हैं। इस रुद्राक्ष को बुध ग्रह से भी संबंधित लोग धारण कर सकते हैं और इसे विधि विधान से पूजा पाठ करके यदि आप धारण कर रहे हैं तो एक हफ्ते के अंदर में इसका परिणाम चालू हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।